बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी जो है जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश होगी। विपक्ष लगातार सदन में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर चर्चा की मांग कर रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब तक चर्चा नहीं कराई जाएगी तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पटना से राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी जो हो सकता है जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरेगी। देखिए, विपक्ष कल शराबबंदी की जो 2016 से जो हो रही है और जिस तरीके से शराब से लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब से लेकर उस पर, और जहां छपरा में लगभग अभी तक के खबर आ रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब से, उस पर चाहती थी विपक्ष की इस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा के लिए हंगामेदार हो क्योंकि चर्चा सरकार नहीं चाहती है कि उसमें प्रश्नकाल के थे उसमें वो चर्चा के लिए बार बार कह रहे थे कि इसको तुरंत चर्चा कराया जाए, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं थी। हंगामेदार रहा कल का पूरा जो सत्र था, वो एक तरीके से हंगामे के भेंट चढ़ गया, दोनों सदन नहीं चले, जिसमें कहीं ना कहीं जहां वाद विवाद भी हुआ, जहां आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री तू तड़ाके वाली जो बात होने लगी कि आप शराब पीते हैं, आप शराब ये करवाते हैं, तो मतलब सदन में जिस तरीके से कल हंगामेदार हुआ आज भी उसी का सारे तीसरा दिन है, विधानमंडल का तीसरा दिन है, दोनों सदन में जिस तरीके से मौतें बढ़ रही हैं, मौतों का आंकड़े बढ़ रही है, कल 10 से 17 हुए, 17 से 20 हुए, 20 से 25, 30 के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि मौत के चपरा में जहरीली शराब से मौत, तो उसको लेकर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं विपक्ष आज भी सरकार को घेरने की तैयारी है। और कल ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कह दिया है कि अगर सरकार शराब वाले जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है उस पर चर्चा नहीं कराते तब तक सदन नहीं चलने देंगे। दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष ने, सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि विधान परिषद भी हम नहीं चलने देंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा बरपा हुआ है और बार बार विपक्ष मांग कर रही है कि इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार अब चर्चा कराने की तैयार नहीं है, चाहती है कि आप समय लें, बाद में इस पर चर्चा होगी, लेकिन अब देखना होगा कि आज का सत्र किस, क्योंकि कल दिन भर सत्र में एक तरीके से हंगामेदार रहा और जो जहरीली शराब से जिस तरीके से मौत हुई, लेकिन बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे सदन में कि आप भी तो साथ में थे जब हमने 2016 में शराबबंदी, आप लोग भी शपथ दिया था यहाँ, लेकिन तब आप इस तरीके के खिलाफ क्यों हैं, विपक्ष में आ गए हैं तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, उन पर बहुत वाद विवाद भी हुआ। विजय सिन्हा ने कहा कि जब तक माफी मुख्यमंत्री नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलने देंगे, तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री सदन में माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, लेकिन ये साफ है कि आज भी तीसरा दिन हंगामेदार रहेगा। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए।